हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बॉयज़ ऑफ फ्लावर्स के उन सभी वर्जनों के बारे में जिस पर बॉयज़ ऑफ फ्लावर्स की स्टोरी लाइन पे ड्रामा बन चुके हैं। तो कई सारे कंट्री ने बॉयज़ ऑफ फ्लावर्स की स्टोरी लाइन को एडेप्शन करके उस पर कई सारे ड्रामा बनाए हैं। तो मैं बारी बारी से उन सभी ड्रामा के आपको नाम बताऊंगा, साथ ही ये भी बताऊंगा कि जो बॉयज़ ऑफ फ्लावर्स की कहानी है, ये कहानी आखिर आए कहाँ से। और साथ ही साथ एक और बात बताऊंगा कि इंडिया में बॉयज़ ऑफ फ्लावर्स की भी एक स्टोरी बन चुकी है, मतलब इस पर भी एक कहानी आ चुकी है। आज आपको उसका नाम बताऊंगा, साथ ही साथ आप बताऊंगा कि आप उसको कहां से बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बॉयज़ ऑफ फ्लावर्स की कहानी शुरू होती है 1992 में। जी हाँ, 1992 में बॉयज़ ऑफ फ्लावर्स की फर्स्ट कॉमिक स्टोरी आई थी, जो कि एक जैपनीज कंट्री में डेवलप जैपनीज कंट्री में लिखा गया था। लेकिन फिर ताइवान ने 2001 में इसको मीटर गार्डन नाम से एक स्टोरी एक ड्रामा अपलोड किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था। इसको उन्होंने दो फेस में अपलोड किया था, जो कि एक 2001 में आया था, एक 2003 में आया था, जो कि आते के साथ ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बन चुका था ताइवान के लिए। इसमें भी बॉयज़ ऑफ फ्लावर्स की तरह काफ़ी ज़्यादा यंग एंड हैंडसम लोगों को लिया गया था। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि बॉयज़ ऑफ फ्लावर्स में जो कहानी थी वो स्कूल के बेस पे थी। बस इस कहानी में मीटर गार्डन में ये कॉलेज लाइफ में दिखाया गया है। फिर वहीं पर दूसरी जब 2005 में एक जैपनीज में इसको फिर से लॉन्च किया था एक ड्रामा के तौर पर, जिसका नाम हाना यूरी डंगो था। हाना यूरी डंगो करके जैपनीज़ ने 2005 में एक ड्रामा लॉन्च किया, जिसने बॉयज़ ऑफ फ्लावर्स की कहानी पे मतलब ये बना था। ये भी काफ़ी ज़्यादा अभी के अकॉर्डिंग मतलब ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड फैशन था, क्योंकि 2005 में ये काफ़ी ज़्यादा उतने विकसित नहीं थे। लेकिन इसमें जितने भी एक्टर लिए गए थे ये काफ़ी ज़्यादा यंग लिए गए थे। और साथ ही साथ इसमें जो फीमेल का काम है ये अब तक के सारे बॉयज़ ऑफ फ्लावर्स के वर्जनों में सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें जो फीमेल का काम दिखाया गया है वो बिल्कुल कॉमिक्स की लड़कियों की तरह दिखाया गया है। जबकि हम जो बॉयज़ ऑफ फ्लावर्स को जानते हैं उसमें जो जैंदी का रोल है वो कॉमिक्स के काफ़ी डिफरेंट पोजिशन पर दिखाया गया है। तो चलिए बात करते हैं इसके और भी आगे वाले वर्जन के बारे में। तो जो 2005 के बाद 2009 में कोरियन वर्जन यानी कि बॉयज़ ऑफ फ्लावर्स लॉन्च हुआ, जो कि आपने मेरे टेलीग्राम चैनल यूट्यूब चैनल पर देखा ही होगा। तो इसकी कहानी तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूं अगर किसी लोगों ने नहीं देखा है। तो ये क्या होता है कि एक गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाली एक लड़की होती है, जो कि एक अमीर फैमिली अमीर बच्चे के स्कूल में जाती है और वहाँ पढ़ती है, और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसके बाद 2009 के बाद बॉयज़ ऑफ फ्लावर्स के वर्जन के बाद इसकी नेक्स्ट जो चाइनीज़ वर्जन ने इसे लॉन्च किया था, जो कि एक मीटर गार्डन के नाम से मशहूर है। ये चाइनीज़ वर्जन 2018 में लॉन्च हुआ था, और ये बॉयज़ ऑफ फ्लावर्स के बाद 2018 में लॉन्च जब हुआ तो ये बॉयज़ ऑफ फ्लावर्स से भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। ये 2018 के बाद बॉयज़ ऑफ फ्लावर्स से ज़्यादा पॉपुलरिटी नाम लेने लगा। अगर आपने बॉयज़ ऑफ फ्लावर्स देखा है तो आपको मैं मस्ट कहता हूँ कि आप मीटर गार्डन ज़रूर से ज़रूर देखें। इसमें क्या है कि इसमें एक अलग लेवल पे बॉयज़ ऑफ फ्लावर्स को ले जाया गया है। कहानी तो बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें कुछ कुछ कैरेक्टर को काफ़ी अच्छा से और ज़्यादा निखारा गया, क्योंकि ये 2018 में आया था। 2009 के कंपेरिजन में 2018 में जब वो आया तो उसमें काफ़ी सारे और नए सारे सुधार किए गए हैं, जो कि देखना काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होगा। फिर इसके बाद 2021 में इसका फिर से एक रीमेक आया, जिसका नाम था F4 बॉयज़ ओवर फ्लावर्स, जो कि एक थाईलैंड कंट्री ने अपलोड किया है, और ये हाल ही में रिलीज़ हुआ है, और रिलीज़ होते के साथ ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बन चुका है। चलिए अब मैं बात करता हूँ इंडिया में ऐसा कौन सा ड्रामा है जो कि बॉयज़ ऑफ फ्लावर्स की कहानी पर बना हुआ है। तो इंडिया में जो ड्रामा है या जो कहानी है उसका नाम है कैसी है ये यारियाँ। ये आपको MTV पे देखने को मिल जाएंगी। ये भी ये उतनी लंबी तो नहीं है इंडिया के लोगों के अकॉर्डिंग बनाया गया, क्योंकि इंडिया में लोग क्या करते हैं कि उतना मतलब प्रेफर नहीं करते, यहाँ एक कहानी को काफ़ी ज़्यादा तीरा जाता है या एक कहानी को काफ़ी शॉर्ट में दिखा दिया जाता है। तो ये भी कुछ उस तरह से बना है, लेकिन ये इस कॉलेज बेस पे स्टोरी है, और आपको ये आई थिंक बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, आपको ये ज़रूर ज़रूर देखना चाहिए एक बार। तो ये कुछ वर्जन थे बॉयज़ ऑफ फ्लावर्स के जो कि अब तक रिलीज़ हो चुके हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी वर्जन नहीं देखा है, या अगर आप बॉयज़ ऑफ फ्लावर्स आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, अगर फिर से इन्हें देखना चाहते हैं, मैंने कई सारे कमेंट पढ़े हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो बॉयज़ ऑफ फ्लावर्स को कई दोबारा रिपीट कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, तो
कई सारे ऐसे लोग हैं जो बॉयज़ ऑफ फॉलोअर्स को बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार उसे देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको बॉयज़ ऑफ फॉलोअर्स की सेम ड्रामा देखने के अच्छा है कि आप उसके वर्जन देखें, जैसे कि मीटर गार्डन 2018 में जो चाइनीज़ वर्जन रिलीज़ हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो आई थिंक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप वो ड्रामा मस्ट देखें। Call.